एम जे जैन साहब के यहाँ से आया, उन्होंने भेजा। तो कहाँ पे आए हो? अब मैं यहाँ आया अजय गुप्ता जी के यहाँ। अब आपको आराम है? हाँ सर आराम है। ये मेरे फादर इन लोग हैं, उनको लंग कैंसर है और डॉक्टर अजय गुप्ता जी ने इलाज करा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। मुंबई भी दिखा के आए थे, उनसे बढ़िया यहाँ रिस्पॉन्स। कहाँ से आए? हम तो यहाँ कुमार एक्सरे से, लंगड़ेगी चौकी से। अल्ट्रासाउंड रेफर किया तो मैं डॉक्टर अंजी जी गुप्ता के पास अल्ट्रासाउंड कराया। अंजी जी ने कहा कि अंकल वो करा लो जरा सीटी, तो हम सीटी कराने चले गए। सीटी कराने के बाद शाम को फिर वो बोली कि तुम एक हैपीनेस ही कराओ, हटा हो जा गया सरकार नर्सिंग होम के पास। एक ही दिन में डायग्नोसिस हो गई, लंग्स कैंसर निकला। तो हम तुरंत अजय गुप्ता से कंसल्ट किया, अजय गुप्ता नाम को फिर बॉम्बे के लिए लेटर लिखा, टाटा डॉक्टर अडवाणी के लिए। तो मैं सुबह गए, शाम को लौटा, जान पहचान थी। तो हम टाटा अजय गुप्ता के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ब्लड कैंसर हमारे यहाँ इस समय काफ़ी कॉमन है। हमारे यहाँ लगभग आधे मरीज ऐसे हैं जो ब्लड कैंसर के हमारे क्लिनिक पर आते हैं। ब्लड कैंसर की खास लक्षण ये हैं कि ये ऑल ऑफ ए सडन शुरू होता है। जैसे बच्चे को किसी को बुखार शुरू हो जाए और वो साधारण दवाई से अगर हफ्ता 10 दिन में नहीं ठीक होता है, उसका खून का कम हो जाना, कहीं कहीं शरीर में कभी कभी गांठ का भी हो जाना, ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। एक साधारण सी जो ब्लड टेस्ट है, अगर हम जो रूटीन टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो 100-200 रुपए का ब्लड टेस्ट ही कराएं, तो उसमें भी ये ब्लड कैंसर पकड़ में आ जाता है। ब्लड कैंसर 4 तरह के होते हैं, एक AML, जो ALL, CML, CLL, इस तरह 4 ब्लड कैंसर होते हैं। जो CML, CLL टाइप के जो ब्लड कैंसर हैं वो बहुत साधारण ब्लड कैंसर होते हैं और बड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये अधिकांशतः अधिक उम्र के व्यक्ति में पाए जाते हैं, मरीजों में होते हैं, जिसमें हम लोग साधारण दवाइयाँ टेबलेट वगैरह से ही ये मरीज लंबे टाइम तक ठीक ठाक बने रहते हैं। सीनियर्स में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।